जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। झांसी में बैंक के सहायक मैनेजर ने एक युवती के साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए युवती को झांसी बुलाता रहा और उसके साथ दुराचार की वारदात को बार बार अंजाम देता रहा। अब युवती का रिश्ता तय हो चुका था तो आरोपी ने मंगेतर को आपत्तिजनक फोटो भेजकर उसकी शादी तोड़वा दी, साथ ही 50,000 रुपए की कीमत ऐंठ ली। शादी टूटने के बाद युवती अवसाद में है और उसने झांसी के सीपरी बाजार थाने में रेप का केस दर्ज कर दिया है। पुलिस ने आरोपी सहायक मैनेजर को हिरासत में ले लिया है। सीपरी थाना पुलिस इस मामले को दबाने में जुटी हुई है। राजस्थान के सवाई माधोपुर निवासी आशीष प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में सहायक मैनेजर के पद पर कार्यरत है। वह 2019 में बलरामपुर के देवरिया मुबारक ब्रांच में तैनात हुआ था। वहीं बलरामपुर निवासी युवती एक कंपनी में जॉब करती थी। कंपनी के काम के सिलसिले में वह बैंक आया करती थी, तब दोनों के बीच जान पहचान हुई, जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म करके उसका वीडियो कैद कर लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी युवती को ब्लैकमेल करने लगा। उसने युवती को झांसी बुलाकर उसके साथ दुराचार किया। कुछ समय पहले युवती का रिश्ता पक्का हुआ था, लेकिन आरोपी ने आपत्तिजनक फोटो उसके मंगेतर को भेजकर उसका रिश्ता तोड़वा दिया। पुलिस ने आरोपी आशीष को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ जारी है।